नमस्कार दोस्तों, फैक्टाई में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विशाल बजाज। आज हम आम जनता के बीच पहुंचे हैं, उनके विचार जान रहे हैं कि सन डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा की इस समय समाज को कितनी ज़रूरत है। डायरेक्ट लोगों से चर्चा करते हैं। सर आपका नाम? मेरा नाम राकेश कुमार इंसा है। कहाँ के रहने वाले हो सर आप? मैं सहारनपुर का रहने वाला हूँ। सर आप हमें ये बताइए कि बाबा राम रहीम जी ने देश के लिए, समाज के लिए क्या क्या योगदान दिया है, क्या सहयोग दिया है उन्होंने? ये बाबा राम रहीम सिंह जी का तो लगता है जीवन ही जो है ना देश की सेवा के लिए है। उन्होंने सारा कुछ जो है ना देश के लिए ही किया है, और बचपन से लेके और आज तक के वो देश की सेवा ही करते रहे हैं। अब वो जनता के बीच में नहीं हैं तो हमारे इसमें समाज में बुराइयां फैलती जा रही हैं। इतना सरकार ने भी देश के लिए नहीं किया होगा शायद जितना बाबा राम रहीम ने निस्वार्थ सेवा में किया है। क्या क्या किया है, क्यों ज़रूरत है इस समय समाज को बाबा राम रहीम जी की? देखिए बाबा जी क्या करते हैं कि देश के लिए, देश की सेना के लिए ब्लड डोनेट का कार्य जो चला रखा है वो हमारे समाज की जितनी भी साथ संगत है वो सब बढ़ चढ़ करके करते हैं। जहाँ भाई भाई को खून देने से कतराते हैं, हमने देखा है समाज में कि भाग जाते हैं, लेकिन उनकी एक आवाज़ पे एक किसी को अगर खून की आवश्यकता पड़े तो एक की वजह सैकड़ों आदमी दौड़े चले जाते हैं। और इस प्रकार से कहीं वनस्पति के लिए भी, वनों के लिए भी उन्होंने बहुत पेड़ पौधे हर साल लगाते हैं, वर्ल्ड रिकॉर्ड स्थापित किए हैं। और मैं मानता हूँ कि 134 जो भलाई के कार्य हैं वो शायद आज की सरकार भी हमारे देश की नहीं कर रही है। क्या लगता है इस समय उनकी ज़रूरत है समाज को? उनकी तो पूरे समाज को ज़रूरत है। जैसा कि देखने में भी आ रहा है कि भाई बाबा के जाने के बाद जब बाबा यहाँ समाज के बीच में नहीं है, भक्तों के बीच में तो वे हमेशा दिलों में रहते हैं, लेकिन समाज के जैसे कि उन्होंने दिन प्रतिदिन लोगों को बढ़ारत चढ़ा करके जो है ना बुराइयों से छुटकारा दिला रहे थे, वो आज बंद हो चुके हैं। बुराइयाँ फैल गई हैं और लगता है कि उनकी बहुत सख्त ज़रूरत है। किस तरह से, आपने बताया कि वो बुराइयों छुड़वा रहे थे, किस तरह से उन्होंने रोकथाम के लिए उपचार किए नशों से? उन्होंने जो लोग ऐसा करते थे अपने परिवार में आकर के बच्चों को मारना पीटना शुरू कर देते थे, अगर बच्चों को ज़रूरत थी किताबों की या खाने की तो उसके बजाय वो उनको मार पीट करते थे। लेकिन बाबा की शिक्षाओं से जो है हमारे एक दो नहीं बल्कि करोड़ों परिवार में सुधार हुआ है, और उन्हें देश को उनकी ज़रूरत है, बहुत अधिक ज़रूरत है। आप जो मौजूदा सरकार है उनसे क्या अपील करना चाहेंगे इसके बारे में? उनसे हम ये अपील करना चाहेंगे कि हमारे देश के प्रधानमंत्री जी उनके अच्छाई कार्य को देखें और किसी गलत प्रचार में ना लग करके, किसी गलत प्रचार वालों के बहकाव में ना आ करके सही बात को सही निर्णय दें और बाबा को जल्द से जल्द जनता के बीच में लाएं। जी सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।